स्टूडेंट्स, तो अपने कर रहे थे क्लास 10th के लिए अपना जो लेसन नंबर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, तो अपने उसके बारे में समझ लिया था, प्रतिरोध किए थे कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपने करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन किस प्रकार से, कि परिपथ के अंदर प्रतिरोध को हम किस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। तो आज हफ्ते का अपना अपना टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन सीधी सी बात है, एक बार याद रखना कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम मतलब एक आप उसको कह सकते हो सीरीज के अंदर जो चीज लगती है, ठीक है। सीरीज में कैसे? क्रमानुसार, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो चीज लगती है वो क्या कहलाता है? अपना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो अपने इसमें क्या लगा रहे हैं? प्रतिरोध लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अपने आता है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, देखो सबसे पहले समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले अपने करेंगे आज श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम उसके बाद में करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। देखो श्रेणी क्रम नाम से ही लग रहा है कि श्रेणी में, एक सीरीज में, जो प्रतिरोध जो है, ये प्रतिरोध का साइन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और ये क्या हो गया, आपने तीन प्रतिरोध काम में लेना है, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। जब इन तीनों प्रतिरोधों को एक क्रम में लगाया जाता है, क्रम में किसमें लगाएंगे? एक परिपथ में, बना दो परिपथ, ठीक है। ये आगे अपनी कुंजी आ गई, ठीक है। उसके बाद अपने इसके साथ एक एमीटर जोड़ देंगे ताकि क्या हो सके, अपना धारा का मापन हो सके कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये लो, ये अपना सर्किट हो गया कंप्लीट। एक बार डॉट नहीं लगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। धारा हमेशा कैसे जाती है? प्लस से माइनस की ओर। प्लस से कैसे जाएगी? माइनस की ओर। इस साइड से यूं और यहां से होती हुई इस टाइप से जाती है। अब देखो मैंने आपको बताया था प्रतिरोध एक, पहला, दूसरा और तीसरा कैसे लगे हुए हैं? एक श्रेणी में, एक के बाद एक लगे हुए। देखो पहला प्रतिरोध, इसका जो दूसरा सिरा है किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और सेम ही कंडीशन नेक्स्ट वाले के लिए है, ठीक है। ये प्रतिरोध R बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रतिरोध R1, ये हो गया प्रतिरोध R2, और ये हो गया प्रतिरोध R3, ठीक है। धारा कौन सी प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, लेकिन अपने इसको जो डिनोट करते हैं वो आई से करते हैं। आई जा रही है, आई ही क्या आएगी? वापिस आएगी। मैंने क्या किया, यहाँ ये बिंदु लगा दिया, तो धारा का प्रवाह क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब देखो प्रतिरोध R1 में से धारा जाएगी, कितनी जाएगी? आई ही जाएगी, क्योंकि धारा का मार्ग परिवर्तित नहीं हो रहा है, धारा उसी मार्ग में जा रही है। कोई ऐसे तो है नहीं कि यूं जाने के बाद कहां यहां मुड़ गई और फिर आधी इधर चली गई या आधी इस साइड से चली गई, ऐसा तो नहीं है। क्या हो रहा है? बिल्कुल एक सीधा जा रही है। तो धारा कौन सी जाएगी? आई ही जाएगी। आर टू में भी धारा आई और आर थ्री में भी धारा आई, जब बाहर निकलेगी तो भी धारा आई ही होगी। तो इससे अपने को क्या एक बात समझ आती है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें जो धारा है इसका मान कैसा रहता है? धारा नियत रहती है। धारा कैसी रहती है? नियत रहती है। धारा का मान परिवर्तित नहीं होता, जितनी अपने बैटरी लगा के जितनी अपनी धारा प्रवाहित होगी उतनी ही होती ही जाएगी, या ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि धारा नियत रहती है। दूसरी देखो यहाँ पे जो कोई भुवांतर है ना, वो जो इसके सिरों पर है वो चेंज होता जाएगा। वोल्टेज लगा के नाप सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रतिरोध R1 है, इसमें जो है अपने वोल्टेज कुछ और होगी, R2 में कुछ वोल्टेज और होगी, और R3 में वोल्टेज कुछ और होगी। तो इसमें अपने क्या होगा? विभव का मान क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है आपस में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। धारा तो क्या रहती है? नियत रहती है, लेकिन विभवांतर क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। अब इसके लिए अपने डेरिवेशन करेंगे। आगे देखो अपने ओम के नियम से निकाला था, क्या ज्ञात किया था? V is equal to I R, समीकरण नंबर 1 लिख लो इसको। विभव किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। R का यहाँ पे क्या था? अपने एक कांस्टेंट ले लिया था, ठीक है, समानुपाती का निशान हटा के। V is equal to I R, तो यहाँ पे देखो अपने पास V चेंज हो रहा है, तो इसमें अपने पास यहाँ ऐसे इस टाइप से मान लो अगर अपने विभवांतर लगा के इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे धारा अपने पास विभवांतर कितना आएगा V1। इसी समीकरण से बना रहे हो एक से I का मान क्या है, नियत है, I चेंज नहीं होगी, और R प्रतिरोध क्या लेंगे यहाँ पे R1, ठीक है V1, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रही है, धारा नियत है और R1 है इसमें। सेकंड में है यही अपने यहाँ पे जो है विभवांतर लगा के चेक कर लेंगे, तो यहाँ क्या आएगी V2, क्योंकि पहले V1 था धारा, दूसरी बार जो विभवांतर मिला अपने उसको V2 नाम दे दिया, धारा फिर से नियत था, अब फिर क्या कर दिया अपने R2 आया, सॉरी टू में जा रही धारा। फिर सेम देखो V3 तीसरे प्रतिरोध के अंदर अगर अपने विभवांतर नापे इस टाइप से इसके सिरों पर, ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास V3 ले लिया, धारा नियत है और उसके बाद अपने क्या कर रहे हैं प्रतिरोध R3 में से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब देखो समीकरण एक में अपने ये तीनों को अपने क्या करेंगे जोड़ेंगे, देखो ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 3 और ये क्या होगी अपने पास समीकरण नंबर 4, इसको नाम दे दिया। देखो V बराबर अपने को यहाँ पे देखो धारा तो नियत है, चेंज क्या हो रहा है विभवांतर चेंज हो रहा है और जो परिवर्तित होता है अपने उसी को ज्ञात करते हैं, तो टोटल इसका क्या आ जाएगा V आ जाएगा, तो V बराबर के इन सबको जोड़ दें तो पूरा अपने पास वोल्टता का मान आ जाएगा V2 + V3। तीन समीकरण है, इन समीकरणों से मान रखो इस मेरा को V का मान क्या है IR समीकरण 1 से, V1 का मान IR समीकरण 2 से, फिर रखो आगे मान रखते जाओ IR2 + IR3। देखो ये अपने पास एक इस तरह से इक्वेशन आ गई, देखो इन सब में सेम क्या आ रहा है, आई यहाँ भी है आई इधर भी, तो आई अपने क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, देखो आई कॉमन ले लिया यहाँ तो है ही, आर बचा होगा आई आर इस साइड कर लिया, देखो यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा R1 + R2 + R3, आई बाहर ले लिया यहाँ क्या बचा R1 + R2 + R3, ठीक है। देखो यहाँ आई है इधर आई है, आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर अपने को क्या मिलेगा R1 + R2 + R3। ये अपना श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया, कौन सा प्रतिरोध है ये तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र अपने को इसमें ज्ञात हो गया, ठीक है। तो जो भी डेरिवेशन है वो इसी से अपने ज्ञात करेंगे, जो भी फॉर्मूला अपने पास यही अप्लाई होगा, ये किसके लिए अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन के लिए है। अब अपना श्रेणी क्रम संयोजन कर लिया, अब इसके बाद करते हैं अपने समांतर क्रम, देखो फिर देख लो इसमें धारा नियत रह रही है, विभवांतर क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है, दूसरा वाला जो अपने करेंगे समांतर उसमें सब उल्टा हो जाएगा। बस एक मेन फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन सिंपल ही होता है इसका। अब अपने बात कर रहे हैं समांतर क्रम प्रतिरोध की, दूसरा जो अपने पास था दो ही प्रकार थे, पहला श्रेणी क्रम अपना ने कर लिया, अब अपने कर रहे हैं समांतर क्रम प्रतिरोध। देखो समांतर क्रम में क्या होएगा अपना कि अपने क्या कर रहे हैं वही प्रतिरोध तो हमेशा तीन ही लेंगे, लेकिन इस साइड इस तरह से लेंगे, प्रतिरोध एक ये आ गया अपने पास, दूसरा प्रतिरोध उसके बाद आ गया अपने पास तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। तीन प्रतिरोध ले लिए, तीन प्रतिरोध को उन्होंने क्या किया इनके पहले सिरे क्या जोड़े हैं किसी एक बिंदु से जोड़े और दूसरे सिरे किससे जोड़े हैं किसी दूसरे बिंदु से, तो ये कौन से क्रम में है ये समांतर क्रम में है पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। ये कौन से क्रम में आ गए समांतर क्रम में, अब इनको क्या करेंगे अपने एक परिपथ के अंदर लगाएंगे, लगा दो परिपथ में क्या आता है बैटरी, बैटरी के साथ क्या आ जाएगी अपनी पूंजी, पूंजी में डॉट लगा अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, साथ में अपनी क्या कर रहे हैं एक एमीटर लगा रहे हैं धारा का मापन लगेगा क्योंकि धारा क्या हो रही है इसमें परिवर्तित होगी, ठीक है। आप देखो धारा कैसे परिवर्तित होगी, प्लस से माइनस बड़े वाला प्लस का इधर इधर क्या जाएगी इस टाइप से धारा जाएगी, ठीक है। धारा मैं आपको इसमें बाद में बना के दिखाऊंगी, यहाँ से मान लो धारा जा रही कितनी जा रही है आई जा रही है, यहाँ क्या आ गया अपना प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3 आपने इसको नाम दे दिया, ये तो आपको पता है एमीटर पूंजी और क्या होगी बैटरी, इसको लिख दो एमीटर होता है, ठीक है। अब आपने इतना तो कर लिया, अब आगे समझ
यहाँ पूरे इसमें I1, I2, I3 आएगी, लेकिन बाहर निकलेगी तो फिर से क्या बन जाएगी? I बन जाएगी। ठीक है, प्रतिरोधों के अंदर I1, I2, I3 इसलिए क्योंकि तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है। आप देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, धारा क्या हो रही है यहाँ पे? परिवर्तित हो रही है, धारा का मान परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वोल्टता क्या है, ये विभवांतर क्या है? नियत है, वोल्टता चेंज नहीं होगी, क्योंकि देखो यहां से अगर यहां तक कोई उत्पन्न हो रहा है विभवांतर, तो क्या होगा? इस दो बिंदुओं के बीच ही तो लगे हुए हैं तीनों प्रतिरोध, अलग अलग तो है नहीं, तो इसलिए क्या है विभवांतर बराबर होगा। अब देखो अपने यहाँ पे जो चीज नियत नहीं होती उसका मान निकालते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है अपने पास, किससे? ओम के नियम से। आई चेंज हो रहा है तो निकालो आई, आई बराबर आर अपॉन में चला जाएगा वी अपॉन में आर, ये अपने पास समीकरण नंबर एक आ गई। सेम जैसा पिछले अपनी वीडियो में सॉरी पिछले जो श्रेणी क्रम है उसमें किया था, आई अपने पास क्या है चेंज हो रहा है, देखो आई आर वन में गया तो धारा आई वन, वोल्ट तो अपने पास क्या है बराबर है, आर है तो आर वन इधर आई वन, समीकरण नंबर दो लगा लो। उसके बाद धारा देखो यहाँ पे जाएगी आई टू, सेकेंड वाले की बात हो रही है, देखो धारा आई टू तो प्रतिरोध क्या है आर टू, लेकिन विभवांतर क्या है सेम है, तो यहाँ क्या आएगा आर, समीकरण नंबर इसको कह लो तीन। उसके बाद यही कर रही हूँ मैं आगे आई थ्री, तीसरा अपने पास पड़ा आई थ्री बराबर बी अपॉन में आर थ्री, क्योंकि प्रतिरोध तीसरे के अंदर से धारा जाती है, ये आ गया समीकरण नंबर चार। अब देखो आगे अपने क्या करेंगे, अपने यहाँ पे धारा ही याद करनी है, आई जा रही है और यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, तीनों को जोड़ दे तो अपने पास कुल धारा का मान आ जाएगा, तो करो धारा आई बराबर क्या आ जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। देखो धारा को तीनों को जोड़ देंगे तो अपने पास पूरे परिपथ की धारा आ जाएगी, इनके मान रखो आई बराबर क्या है देखो समीकरण एक से वी बटा में आर, तो रखो वी बटा में आर बराबर में आई वन, देखो कहाँ है वी अपॉन में आर वन, आई टू वी अपॉन में आर टू, आई थ्री वी अपॉन में आर थ्री, तो करो वी अपॉन में आर वन प्लस वी अपॉन में आर टू प्लस वी अपॉन में आर थ्री। ठीक है, देखो कुछ चीज कॉमन आ रही है तो वी कॉमन आ रहा है, वी कॉमन ले लो, वन अपॉन में आर यहाँ पे पड़ा है, इधर से भी वी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री, ये अपने पास बच जाएंगे। ठीक है, वी इधर है वी इधर है, वी से वी क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा और अपने पास एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री। ये अपने पास जैसे पहले में क्या है था आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री था, तो ये भी क्या है अपना तुल्य प्रतिरोध है, लेकिन किसके लिए है ये समांतर क्रम के लिए, जो अपने पहले निकाला था वो क्या था श्रेणी क्रम के लिए, और ये अपना पूरे का पूरा क्या आ गया समांतर क्रम के लिए, इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। जो भी डेरिवेशन कर अपने करते हैं उसमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, बाकी डेरिवेशन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो।